हाथरस कांड ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। हर रोज इस घटना में अपनों को खोने वालों की रुला देने वाली कहानियां सामने आ रही हैं। अब ऐसी ही एक कहानी किशोरी लाल की है, जिनके पास परिवार कहने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। नौबत यहां तक आ गई है कि वो खुद के नहीं मरने पर भी अफसोस जाहिर कर रहे हैं। दरअसल मंगल को सूरज पाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग में भगदड़ मच गई थी। 48 साल के किशोरी लाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले के बिसौली गांव के रहने वाले हैं। इस घटना में उनकी 42 वर्षीय पत्नी और महज 4 साल के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि शादी के 20 साल के इंतजार के बाद हमें एक बेटे के रूप में आशीर्वाद मिला था। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने दोनों के शव को देखा था। उन्होंने कहा कि पत्नी सत्संग के लिए गई थी और बच्चे को साथ लेकर गई थी। मैं खेती का सामान खरीदने के लिए कासगंज गया हुआ था। जब वापस आया मैंने पत्नी को फोन लगाया, वहां से किसी और ने जवाब दिया और हुई भगदड़ के बारे में जानकारी दी। पता लगते ही अस्पताल की तरफ दौड़ा और वहां देखा कि हर तरफ लाशों के ढेर लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। उसमें से कुछ को देखने के बाद मुझे पत्नी और बेटे स्ट्रक्चर पर नजर आए। मैं जिंदा क्यों हूँ, मुझे भी उनके साथ चले जाना चाहिए था। ये बात उन्होंने कही है। एक स्थानीय निवासी सूर्यदेव यादव ने भी बताया कि जान गंवाने वाले बच्चों में ज्यादातर की उम्र 10 साल से कम थी। लोग सड़क के किनारे मरे हुए पड़े थे। ऐसे एक दो नहीं बल्कि 121 लोग हैं जो मारे गए इस भगदड़ में। अब आप सोच सकते हैं कितने लोग इससे जुड़े होंगे, लेकिन सवाल यह है कि हाथरस कांड में भोले बाबा पर अब तक क्या क्या एक्शन लिया गया और सबसे बड़ी बात, इसका जिम्मेदार कौन है। हाथरस भगदड़ कांड को 3 दिन बीत चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को हाथरस के अस्पताल में भर्ती घायलों से मिलने के लिए आए। उन्होंने इस घटना की न्यायिक जांच कराने के भी आदेश दिए हैं। वहीं हाथरस में भगदड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में इस सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में 5 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी से जांच की मांग की गई है। साथ ही यूपी सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वो घटना की स्टेटस रिपोर्ट दे और जिम्मेदार अफसरों पर एक्शन ले। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में सीबीआई जांच और प्रमुख अफसरों के सस्पेंशन की मांग की गई है। वहीं ये भी अब बताया जा रहा है कि नारायण साकार हरि यानी कि भोले बाबा किसी भी वक्त हिरासत में लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि भोले बाबा ने चर्चित वकील एपी सिंह को अपना पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया है। वहीं सत्संग के बाहर मची भगदड़ को नारायण सरकार हरि ने साजिश बताया है। बाबा की तरफ से इस केस को सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह देखेंगे। वकील एपी सिंह ने कहा है कि इस मामले की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। ये वही एपी सिंह है जो सीमा हैदर की तरफ से भी केस लड़ रहे हैं। ये वही एपी सिंह है जो निर्भया केस में आरोपियों के वकील रहे थे। वहीं सीएम योगी ने इस पूरे मामले को एक तरह से साजिश बताया है। अब बाबा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वो इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में है। कुछ लोगों का कहना है कि भोले बाबा के आश्रम में कई राज छिपे हुए हैं। भोले बाबा को हमेशा सफेद सूट में देखा गया है। साथ ही ये भी सुनने को मिल रहा है कि बाबा के कमरे में सिर्फ लड़कियों की एंट्री होती थी। बताते हैं कि भोले बाबा के पुलिस कांस्टेबल से बाबा बनने का सफर, चलिए आज आपको बता देते हैं लगे हाथ ये भी कि कैसे पुलिस कांस्टेबल से और बाबा बन गए। नारायण साकार ने एक आम शख्स से खुद को बाबा तक के सफर में बहुत कम समय लगाया, मतलब बाबा बनने में। वो मूल रूप से जनपद कासगंज के तहसील पटियारी के गांव बहादुर नगर के रहने वाले हैं। बाबा के पिता एक किसान थे। गांव में ही बाबा ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। भोले बाबा 3 भाई हैं। सबसे बड़े भाई की मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर के भाई का नाम सूरज पाल है। तीसरे नंबर का भाई बीएसपी में नेतागिरी करता है। भोले बाबा के लिए ये भी बताया जाता है कि उनके लिए कई एजेंट काम करते हैं। अब ये भी जान लीजिए आप कि ये दूसरे नंबर वाले भाई सूरज पाल ही भोले बाबा हैं। बाबा बनने से पहले वो LIU में हेड कांस्टेबल थे।
साल 1999 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। बाबा बनने के बाद सफ़ेद सूट इनकी पहचान रही है। इनकी पत्नी का नाम प्रेमवती है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि भोले बाबा के लिए कई एजेंट काम करते हैं। वो एजेंटों को भ्रमित करने के लिए पैसे देते थे। जनता को भ्रमित करने के लिए एजेंट कहते थे कि बाबा की उंगली पर चक्र दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा जो आरोप लगता है नारायण सहकार हरि पर, वो ये है कि उन्होंने गांव की ज़मीनों पर भी अवैध कब्जा करके आश्रम बनाया है। गांव की आबादी की ज़मीन पर अवैध कब्जा करके आश्रम बनाया है। और ये भी आरोप उन पर लगते हैं कि इनके आश्रम पर खूबसूरत लड़कियां रहती हैं। इनके कमरे में लड़कियों के अलावा सिर्फ खास लोगों की एंट्री होती है। दूसरे लोगों को भोले बाबा के कमरे में अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। किसी बाहर के आदमी को तो उनके कमरे में जाने की कतई अनुमति नहीं होती है। वहीं भोले बाबा के पास बहुत महंगी लग्जरी गाड़ियां भी हैं। हालांकि बाबा जो लग्जरी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं उसमें से एक का भी रजिस्ट्रेशन उनके नाम पर नहीं है। सभी गाड़ियां दूसरे लोगों, ख़ास तौर पर भक्तों के नाम पर है। बाबा ने अपने नाम पर कुछ भी नहीं रखा है। बताया जा रहा है कि एक बार ये जेल भी जा चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ वक्त से बाबा की मान्यता लगातार बढ़ती ही जा रही थी। पिछले साल बाबा के दरबार में यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। अखिलेश की बाबा के दरबार में पहुंचने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। वहीं बाबा रसूख के मामले में भी कम नहीं है। हाथरस की घटना पर योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि हाथरस के साथ ही मैनपुरी, एटा, कासगंज जैसे ज़िलों में बाबा गरीब और शोषित लोगों को अपना अनुयायी बनाता था। बाबा इतना रसूखदार था कि पुलिस भी उनके आयोजन में भीतर नहीं जा सकती थी। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस बाबा की तलाश में कई स्थानों पर दबिश दे रही है और उनकी तलाश जारी है। FIR भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिर ये जो हादसा हुआ है इसका असली जिम्मेदार कौन है? क्या खुद बाबा है या फिर प्रशासन है जिसने इजाज़त नहीं दी? बताया तो ये भी जा रहा है कि वहाँ 2.5 लाख के लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद था। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ये जो पूरा निज़ाम जो बनाया गया था, ये जो तरीका जो था, वो अपने आप में बहुत बुरा था। और इसका जो रिज़ल्ट आया, जैसे भगदड़ मची और भगदड़ के बाद जिस तरीके से 121 लोगों की जान चली गई, ये बड़ा सवाल है अपने आप में। बाबा समेत उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो उनके लिए जो काम करते हैं और प्रशासन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस मामले पर दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।